अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी क्लास की वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ीदार पजामी की स्टिचिंग। तो इसको सीखने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, मेरे पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पैटर्न भी बेच रहा हूँ, तो मेरे पैटर्न खरीदने के लिए स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो मेरा अपना नंबर है। और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं ताकि बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम इसको स्टिचिंग ये करेंगे। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से, ये मैंने पूरी पजामी यहाँ पे इस तरीके से खोल रखी है, क्योंकि हमने इस तरीके से खोलने के बाद में हमें इसमें निशान उठाने होते हैं। तो सबसे पहला काम हम इसके अंदर, देखिए आपके पास गरारी है, गरारी मेरे पास भी है, तो गरारी से निशान उठा लें, नहीं तो इस तरीके से देखिए ये वाला निशान है, यहाँ से लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे करके। इस तरीके से ये निशान उठाने के बाद में एक बीच में इस तरीके से कट लगा लेंगे, क्योंकि जब सिलाई लगाएंगे तो इस कट को मिला देंगे तो आपकी पजामी इधर उधर नहीं फलकेगी। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इसको बेल्ट को हटा देते हैं, और ये जो जोड़ हैं इनको भी हटा देते हैं। इसको हम देखिए इस तरीके से ये खोल लेंगे। अब ये खोलने के बाद में देखिए ये जो बड़े वाले जोड़ हैं इनको देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके रखना है, ये देखिए ऐसे करके, और ये निशान लगा देना है इस तरीके से। तो ये हमारा ये वाला पल्ला हो जाएगा इस तरीके से, और एक निशान हम इस तरीके से ये लेंगे, इसको पलट देंगे और ये निशान इस तरीके से उठा लेंगे। तो ये हमारे नीचे की ये सेट आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पे, और एक ये इस तरीके से ऊपर हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पे एक निशान लगा रखा था, आपको बताया था वीडियो में, तो ये देखिए ये एक निशान ये है। तो ये वाला जो निशान है इसको हमें यहाँ पे मिलाना है। तो हम सबसे पहले ये वाले जोड़ जो हैं इनको देखिए इस तरीके से ऐसे करके खोलेंगे, और खोलने के बाद में देखिए ये जो निशान लगा रखा है ये वाला इस साइड से ये उल्टी होगा, और ये वाला जो निशान लगा रखा है ये भी उल्टा है। तो इसको इस तरीके से देखिए इसको ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे जो कन्नी नज़र आ रही है इस पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से सेम ये वाला देखिए, अब ये निशान लगाया है ये उल्टा है, और ये जो निशान लगा है ये उल्टा है, तो ये नीचे की साइड में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको सिलाई लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये वाला जोड़ लगाएंगे, ये देखिए ये हमने निशान लगा रखा था, और इधर तो ये जोड़ जितने भी हैं ना इनको चेक करके लगाएं, और इस तरीके से जितनी भी कन्नी आ रही है ना इसको इस तरीके से दबा देंगे और यहाँ पक्का कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया, और दूसरा वाला जो पल्ला है इसको भी हम इसी तरीके से देखिए, ये देखिए ये इसको इस तरीके से जवाबी एकदम रखेंगे, तो ये इस तरीके से नज़र आ जाएगा आपको कि ये हमने उल्टा निशान जो लगा रखा है, और यहाँ पे एक निशान ये भी लगा दिया है तो ये उल्टा है, और इसमें ये वाला जो निशान लगाया है ये उल्टा है, और ये नीचे की साइड भी आएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको भी ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऐसे पक्का कर देंगे, और इस तरीके से ऐसे करके सिलाई पक्की कर देंगे यहाँ पे। हल्का सा ये जो निकल रहा है इसको इस तरीके से काट देंगे, और ये भी इस तरीके से देखिए काट लेंगे, और इसको नाखून से ऐसे करके सेट कर देंगे यहाँ पे ऐसे करके। और सेट करने के बाद में देखिए ये हल्का सा जो मार्जिन ये निकल रहा है इसको इस तरीके से देखिए बराबर कर देंगे ऐसे काट देंगे। इस तरीके से देखिए अब ये पल्ला भी देखिए इसी तरीके से इसको सेट कर लेंगे हाथ से, और इसको जो ये निकल लाया ना कपड़ा इसको इसलिए काट लें क्योंकि जब आप इंटरलॉक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये बराबर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे करके ये इस तरीके से काटने के बाद में देखिए
अब ये जो बड़े वाले जोड़ हैं, ये देखिए, ये निशान जो लगा रखा है हमने इस तरीके से, ये वाला, और ये देखिए ये वाला जो निशान लगाया है, तो ये इस वाले का नहीं है, ये वाला है, देखिए ये इसमें इस तरीके से, और ये नोक जो है इसकी ऊपर जाएगी, ये इस तरीके से आएगी, यहाँ पे ये आसन आ गया आपका। तो इस तरीके से इसको ऐसे करके रखेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से पक्का करेंगे। दोस्तों ये क्लास की वीडियो हैं इसलिए ज़रा थोड़ी लंबी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब ये हल्का सा ये निकल गया और इसको यहीं छाड़ देंगे और इसको इस तरीके से नखून से ऐसे करके सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये पूरा इस तरीके से हो गया। अब ये दूसरा वाला पल्ला भी इसी तरीके से सेम जोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसमें मियानी भी लगाएंगे हम, क्योंकि मियानी लगाने से एक चीज़ होती है कि यहाँ से आसन जल्दी फटता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये वाला भी जोड़ मैंने लगा लिया, तो ये एक जोड़ ये हो गया और एक जोड़ ये हो गया। अब ये देखिए ये वाला जोड़ भी इस तरीके से, अब ये दोनों जवाबी आ गए, तो ये एक साइड से आ जाएंगे और ये एक साइड से आ जाएंगे। अब इसको आप इसी तरीके से रख लेंगे ऐसे करके, और ये देखिए ये हमने मियानी इस तरीके से, इसको रुमाली भी बोलते हैं, इसको मियानी भी बोलते हैं, तो इस तरीके से ये हमने काट लिए, क्योंकि ये यहाँ से काटने से ना ये है कि पजामी में यहाँ पे आसन जो है ना आपका थोड़ा टाइट हो जाता है बैठने में, तो यहाँ से जल्दी उधड़ जाता है। अगर आप इस तरीके से ये लगा लेंगे तो आपका जल्दी आसन नहीं उधड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल बराबर मिला लेंगे यहाँ से, और इस तरीके से खींच के सिलाई लगाएंगे, क्योंकि एक पल्ला जो है इसमें और एब नहीं होता है, मियानी के अंदर खड़ा होता है, तो ये वाला पल्ला ज़्यादा नहीं खींचेगा और ये वाला और एब होता है। तो देखिए इस तरीके से एक लगा के, और ये इस तरीके से देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे करके यहाँ से भी इसको बराबर कर लेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए पक्का कर देंगे। अब ये देखिए ये इस तरीके से ये मियानी ये लग गई है इस तरीके से। अब इसी तरीके से सेम ये वाला हिस्सा लेंगे और इसको भी देखिए इस तरीके से, ये खड़ा वाला हिस्सा इस तरीके से रखेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से नखून से ऐसे करके कर देंगे सेट। और ये वाला पल्ला लेंगे देखिए, ये देखिए ये इस तरीके से, तो ये यहाँ पे जब ये मियानी लग जाती है ना, तो ये आसन थोड़ा सा यहाँ से बढ़ भी जाता है, तो ये खींचेगा भी ना तो फटेगा नहीं। अब ये देखिए जैसे ये मियानी दोनों हमने लगा ली, अब ये लगाने के बाद में अब इसको हम एक साइड से रख देते हैं। अब हम इसमें बेल्ट जो बनाया हमने, ये बेल्ट में हम इस तरीके से देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सलवार वाली में भी बताया था कि किस तरीके से नाड़ा बनाएंगे, ये 1 इंच इस तरीके से निशान लगा के ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये पक्का करेंगे 1 इंच पे, और उसके बाद में इसको उठाएंगे ऐसे करके, और ये जो 2.5 इंच है यहाँ पे इसको ऐसे रख के, और ये पक्का कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से ये काट देंगे, अब ये देखिए ये यहाँ पे अगर आप इंटरलॉक करेंगे तो आपको पूरी सिलाई नहीं लगानी है, और इंटरलॉक मैं इंटरलॉक नहीं करता हूँ ज़्यादातर, तो इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड करके ये सिलाई लगाएंगे देखिए ऐसे, तो ये यहाँ पे बिल्कुल पक्की लब हो जाती है, तो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है और फिनिशिंग भी अच्छी रहती है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे,
ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से ये पूरी एकदम फिनिशिंग रहती है ऐसे करके, आपको इंटरलॉक भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ये लगा लें। अब ये देखिए इसको इस तरीके से पक्की करेंगे सिलाई, और ये कन्नी की सेट है तो इधर भी इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। ये देखिए इस तरीके से, अब ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे 2 इंच और आधा इंच इसके अंदर फोल्ड कर देंगे, तो ये 1.5 इंच का रह जाएगा और आधा इंच हमारा ये यहाँ पे ये बच जाएगा, क्योंकि जो हमने 1 इंच सिलाई लगाई है इसलिए 1 इंच लगाते हैं। और देखिए इस तरीके से ये बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से ये मैं पूरी सिलाई लगा लूँगा, और पूरी सिलाई लगाने के बाद में फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने पूरी ये बेल्ट पे सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही एकदम बैठ गया है। अब ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से रखा है डबल करके। अब ये देखिए जो हमने ये बड़े वाले जो जोड़ लगाए हैं, इसको हम आगे की साइड करेंगे फ्रंट पे, जहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे, और ये छोटे वाले जो है ये बैक में करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे ऐसे, क्योंकि इसके अंदर देखिए ज़्यादा घेरा नहीं होता है, तो इसको इसी तरीके से नाप लेना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पर नापा, और तकरीबन यहाँ से ये 3 इंच, या तो आप नाप के या आपको अंदाज़ा आता है तो इस तरीके से 3 इंच रख लेंगे, 3 इंच के करीब ये इस तरीके से देखिए कम कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देंगे। अब ये कट लगाने के बाद में देखिए इसमें बारीक बारीक चुन्नट पड़ती हैं इस तरीके से, ऐसे करके देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। और ये धागा देखिए ये काट लेंगे। अब ये काटने के बाद में देखिए ये जो चुन्नट डाली है हमने 3 इंच कम करा था, और ये देखिए ये इसका 20 सेंटर है यहाँ से, ये हमारा तकरीबन 5.5 इंच है, तो 2.5 इंच की हमारी बैक में प्लेट पड़ जाएगी। और अगर घेरा कम आ रहा है और चुन्नट अगर ये डाल दिए और अगर बैक में प्लेट नहीं पड़ती है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पजामी में, अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए ये 20 सेंटर से ये निशान लगा के, और ये जो जोड़ है इसको इस तरीके से रखूँगा ऐसे, और यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरीके से देखिए ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ये इसका सेंटर आ गया यहाँ पे, और ये इसका सेंटर है देखिए। तो ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ऐसे करके जो ये जो सेंटर है इसका, यहाँ से इस कपड़े को ऐसे करके पकड़ेंगे ऐसे, और बाकी सारा कपड़ा जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक लाके इसके ऊपर ऐसे करके रख देंगे ऐसे ऐसे। अब इतना ही इस साइड से प्लेट डालेंगे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, तो ये इसी तरीके से देखिए ये पूरी ये सिलाई लगा लूँगा। पूरी सिलाई लगाने के बाद में फिर इसके ऊपर एक यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे हम बिल्कुल किनार पे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको निकाल लेंगे यहाँ से, और इस पर एक सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। सिलाई इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगाने से ना थोड़ी बेल्ट की जो पकड़ हो जाती है वो अच्छी तरीके से हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अगर सिलाई नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे ऊपर तो थोड़ा सा
एक ही सिलाई रहती है, तो फिर आप अंदर से सिलाई डबल मार लें। ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई पूरी लगा के और ये धागे आराम से ऐसे काट देंगे। अब ये देखिए ये बेल्ट तो हमारा पूरा इस तरीके से देखिए परफेक्ट तरीके से ये एकदम चढ़ गया, और ये देखिए इस तरीके से ना इधर खिंच रहा है ना इधर, देखिए एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अब ये देखिए हम इसको इस तरीके से नीचे इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये निशान जिधर लगाइए उल्टी वाली साइड है, तो हमें इधर ही मोरी फोल्ड करनी है इस तरीके से। देखिए ये देखिए, और ये वाला हिस्सा जो है जब इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे तो ये दूसरा वाला हिस्से वो इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके। ये देखिए ये सिलाई लग गई, और सिलाई लगाने के बाद में देखिए हमें इसका इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में देखिए ये जो हमने कट लगाया था ये वाला, ये दोनों कट इस तरीके से मिला लेने, और मिलाने के बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके फिर ये कट पकड़ लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गए, ये जो जोड़ है इसका सेंटर का इसको पकड़ेंगे और ये सिलाई लगाएंगे, क्योंकि एकदम ऐसे सिलाई लगाएंगे ना और इसको जोड़ों को नहीं मिलाएंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि ये औरेब होता है ना तो ये बढ़ सकता है एक तरफ से। ये देखिए और यहाँ पे इस तरीके से पक्का कर लेंगे। तो जैसे हमने ये पूरी सिलाई लगाई है इसी तरीके से ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे, और उसके बाद में इसको एक सिलाई और लगा के फिर आपको फाइनल लुक दिखा। तो ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से इसकी फाइनल लुक है, ये देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल एकदम बराबर है, कोई पैर कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं है। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए ये इसकी चुन्नट आपकी इस तरीके से आएंगी, ये देखिए ऐसे करके। तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से बना सकते हैं अपनी पजामी चूड़ीदार। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।